A very warm welcome to all the viewers, and I hope that this new year brings us a plethora of ideas, new hopes, horizons to be explored, milestones to be achieved. We in Team Anuragyam have started this brand new series of interviews where we have candid conversation with celebrated artists all over the country. And today it is our pleasure and privilege to have Dr. Dhruv Tiwari with us in conversation. A very warm welcome to you. Hello, sir. Thank you. Namaskar, Sadhiko. Namaskar, ma'am. टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आज हम देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं और आपकी ऑनगोइंग पेंटिंग प्रदर्शनी को भी देख सकते हैं. तो आपका बहुत बहुत स्वागत अनुराग्यम के पटल पर. और थैंक यू मैडम. माय प्लेजर सर. और हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत कुछ आपसे जानना चाहेंगे. सबसे पहले मैं सर के बारे में बताना चाहूंगी कि ध्रुव सर जो है छत्तीसगढ़ से हैं और आजकल रायपुर में कार्यरत हैं, जहां बच्चों को अपनी कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं और विभिन्न राज्यों में इन्होंने प्रदर्शनी लगाई हुई है. सामूहिक प्रदर्शनी में भी भाग लेते रहते हैं और जाने कितने अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. एनसीआरटी में ये संसाधक के रूप में भी कार्यरत हैं और विभिन्न केंद्रीय विद्यालय इनसे संसाधक की सेवाएं लेते रहते हैं. तो ध्रुव तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से. और कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं. थैंक यू. बिल्कुल बिल्कुल. कला के बारे में बहुत कुछ हम जानना चाहेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये जानना चाहूंगी कि जो ये आपका पीएचडी का जो आपका टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है. तो उसके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा. जी जरूर जरूर. बहुत अच्छा सवाल आपने किया है. मतलब पेंटिंग तो सब जगह हो रही, लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सच में एक अद्भुत है और अविश्वसनीय है. क्योंकि मैंने जिस टॉपिक पे काम किया है, बस्तर की लोक कलाएं, और हम उसका एक मैंने सब टाइटल और है उसका, रूप प्रद कलाओं के संदर्भ में. तो ये रूप प्रद क्या होती हैं? तो ऑर्नामेंटल के अलावा जो जितने भी हम फॉर्म उसमें क्रिएट करते हैं, उन सारी चीजों को हमने इकट्ठा किया और एक संयुक्त रूप से सारे विषयों पे हमने एक पीएचडी का पूरा काम किया. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि पीएचडी के लिए क्या होता है कि हमें लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स देखना और बुक से चीजें कलेक्ट करना, ये कम से कम नौबत मुझे नहीं आई. और सारी चीजें जितनी भी मेरी पीएचडी के अंदर जो चीजें हैं वो एक्चुअल रिसर्च नहीं है, सर्च है. मैंने कई चीजें उसमें पहली बार दिखाई दी. क्योंकि तो आपको मैं इसकी मैंने वो बताऊं कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसको ये नहीं पता है कि आयरन क्या होता है, वो आयरन ओर से आयरन निकाल रहा है और कहता है कि ये हम पत्थर से आयरन बनाएंगे, उसके बाद इसके फिर औजार बनाएंगे. तो ये यहां से मैंने शुरुआत करी थी और ये कितना सूक्ष्म है, कितना फाइन है ये चीज कि हम जब किसी चीज को रिसर्च और सर्च दोनों में फर्क मुझे समझ में आया कि सच में इसमें जो चीजें थी वो सर्च की थी. अब इनकी जो चीजें थी कि जैसे वुड पे लोग वर्क कर रहे हैं, मेटल कास्टिंग लोग कर रहे हैं, तो मेटल कास्टिंग को लोग वैक्स की डिजाइन बना के वैक्स के बाद उसमें वो लोग ढाल रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं. फिर मिट्टी पे जो लोग काम कर रहे हैं, मृण में शिल्प, और आयरन पे जो लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीजों की माने ये जड़ पे मैं अगर गया तो मुझे एक चीज पहले दिखाई दी कि लोग चीजें बनाते क्यों हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ट्राइबल से हम उनकी चीजें तो जरूर ले आए लेकिन उनकी सच्चाइयों से हम वाकिफ नहीं हो पाए. तो मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि हाँ कि हमसे कितने समझदार हैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा कि मैं उनसे पूछता हूँ कि ये तुम ये हाथी क्यों बना रहे. तो बोले हाथी इसलिए बना रहे हैं कि ये बलि के काम आता है. तो जब किसी का बच्चा जब किसी का बच्चा बीमार होता है और बीमार होने के बाद वो देवी के मंदिर में जाता है, और मंदिर भी नहीं है, ऐसी खुली जगह प्रांगण है जहाँ पे कुछ ऐसे देवी स्वरूप कुछ चीजें रखी हुई हैं जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, और वहां वो मन्नत मांगता है कि मेरे बेटे को माँ ठीक कर दो, मैं आपके पास एक हाथी चढ़ाऊंगा, बलि चढ़ाऊंगा हाथी. तो अब वो एक्चुअल हाथी कहाँ से लाएगा? हाँ,
वो क्या करता है कि मिट्टी का हाथी वहां समर्पित करता है। तो ये चीजें हम लोग डिस्कशन में भी नहीं लेके आते कि ये जो खिलौने हम उनसे खरीद रहे हैं, जो जिन चीजों की मार्केटिंग हो रही है, एक्चुअल उनका उद्देश्य क्या है, वो लोग क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों बनाते हैं, तो ये सारी चीजें बनती हैं। माने उनके कैसे हैं पारिवारिक स्तर क्या, उनका उनके पास व्यवस्था कैसी है, उस हिसाब से वो लोग खरीदते हैं। माने मेटल के लोग खरीदते हैं, मिट्टी के, लकड़ी के, जैसे उनके घर का स्तर होता है वैसी चीजें मिलती है मार्केट में, वो लोग देवी चढ़ा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ये पीएचडी में चीजें बने बहुत सामने आई, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि पूरे पीएचडी के दौरान मुझे पेंटिंग कहीं देखने नहीं मिली, सिर्फ मिली तो मुझे सेल्टर्स में, रॉक सेल्टर्स में कुछ चीजें दिखाई दी, लेकिन ज्यादातर वर्क मैंने लोगों के डेथ होने के बाद, वो लोग जो पिलर्स बनाते हैं उसमें वुड कार्विंग है, और उसमें कमर्शियल आर्टिस्ट को बुला के उससे पेंटिंग बनवा रहे हैं, वो चीजें उसमें ज्यादातर दिखाई दे रही हैं, और वॉल में और यहाँ वहां हमें कम दिखाई दी, लेकिन जो जो ये डेथ पिलर है जिसको हम यहाँ की भाषा में मरनी खूंटा बोलते हैं, और हिंदी में जिसको मृतक स्तंभ कहते हैं, ये बहुत अद्वितीय है, और इसमें उनकी जरूरत की सारी वो चीजें, जैसे ममीज में होता है कि ममी ढकने के बाद हम उससे सारी चीजें डाल देते हैं, उनकी जरूरत की चीजों को हम उनको रख देते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रैवल में क्या होता है, उनके जो कपड़े हैं, उनकी जरूरत की चीजें हैं, वो सारा कुछ उनके आसपास रख देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रोड के दोनों तरफ डिस्प्ले है पूरे छत्तीसगढ़ में। जब आप ट्रैवल एरिया में जाएंगे तो रोड के दोनों तरफ ये दिखाई देगा। इस पे आम नागरिक उसको ध्यान नहीं दे पाता है, वो समझता है पता नहीं क्या लगा रखा है, लेकिन जब हम उसको खोजने जाते हैं, हम उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो वे बहुत क्लियर दिखाई देती है। और मैंने फिर यही चीजें देखी कि ये गुजरात के कुछ डांग जिला है जो गुजरात का, वहां पर यही चीजें मंदिर के ढंग पे, जो जो पुजारी है उनकी पुजारी है, उनके डेथ होने के बाद उनको मंदिर के आसपास दफना के उसमें एक मंदिर बनाया जाता है। ये सिलसिला बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, और मंदिर के बाहर ढेरों मंदिर छोटे छोटे, ये सब पुजारी के अवशेष है वहां पे जो है। ये तो मेरा पीएचडी का हो गया, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग जी, बहुत मुझे सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमारे दर्शक बहुत कुछ इस बारे में जानना चाहेंगे, आपको रिसर्च करने में और सर्च करने में कितना मजा आया होगा। और कुछ एक सवाल पूछना चाहूंगी, तो जो ट्राइबल, जब आप रिसर्च और रिसर्च जो भी आप दोनों आप कर रहे थे, तो ट्राइबल जो लोग थे उनका कितना आपको सपोर्ट रहा, या कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? और बहुत अच्छा मैंने आपने पूछा है, और ये तो चूक जाता मैं अगर ये नहीं बोलता चीज को, तो क्योंकि उन्हीं ने जो मुझे खिलाया मैंने खाया है, और उन्होंने जो मुझे खाट दी या सोने को उसी में मैंने सोया है, और अगर उन्हें साइकिल दे दिया तो उनके साइकिल पे मैं चला जाता था, वरना मैं पैदल घूमता था, क्योंकि जरूरी नहीं कि वहां गाड़ी चले या मोटरसाइकिल चले, जरूरी नहीं है। दूर घने जंगल, पहाड़ों के बीच में, पत्थरों के बीच में, वो कैसे कंदराओं के जैसे रहते हैं, कंदरा तो नहीं कह सकते, झोपड़ियां होती है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि झोपड़ियां जो उनकी बनती थी लकड़ी से, अगर एक लकड़ी टूट गई तो लोग झोपड़ी छोड़ के नया झोपड़ी बनाते हैं, और कहते हैं जब एक टूट गया तो बाकी भी टूट जाएंगे, हाँ, उसको रिप्लेस नहीं करते वो लोग नया बना लेते, नया बनाएंगे। हाँ, तो लगेगा ऐसा कि यहाँ पे कई घर वाले हैं ऐसा लगता है, लेकिन वहां पे एक ही घर होगा, लेकिन रहने वाले एक ही घर के लोग होंगे, लेकिन झोपड़ियां बहुत सारी दिखाई देंगी। तो उनकी जो बकरियां, हाँ, उनकी और उनके ये सब लोग पालते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है, बहुत ऑटोमेटिक वे में वो लोग काम करते हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि जब आपने अपनी ये पीएचडी करी और ये सारे जो इतनी उम्दा जानकारी है आपने अपने आर्ट में, अपनी कलाकृति में पेश कर दुनिया के सामने, तो जो ट्राइबल लोग हैं उनको क्या लाभ रहा आपकी रिसर्च से, मतलब उनको लिए क्या फायदेमंद रहा इसमें? देखिए, अभी तो क्या है, ट्राइबल सारे जितने लोग काम कर रहे हैं बहुत कमर्शलाइज हो गए हैं, और गवर्नमेंट उनके सारे वर्क खरीद लेती है, और खरीद के उसको बाहर भेजती है, तो उनको लाभ और हानि तो करते तो बहुत से कलाकार लोग हैं, लेकिन जिनको नेशनल या इंटरनेशनल जिनको अवार्ड मिल चुका है, वो लगभग एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं वहां पर। तो वो क्या करते हैं कि जितने भी छोटे मोटे कलाकार हैं सबको, वो जैसे उद्योग होता है उस ढंग से सबको बुला लेते हैं, और
सरकारी जगह बैठ के काम कर रहे हैं और एक जने की देखरेख में हो रहा है, तो मैंने सबको अलग अलग काम सौंप दिया जाता है, तुम पेंट करो, तुम ये बनाओ, ये बनाओ, सबके अलग अलग रूम्स हैं और सबको काम मिल जाता है, इसलिए सारे कलाकार एक जगह इकट्ठे हो जा रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात है, ये फायदा उनको है, गवर्नमेंट से है और जो उनका जो हेड है वो सबको इकट्ठा करके सबको काम दे देता है। ये तो बात ये हुई कि आप कला के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्म भी लेकर आए हैं और बहुत ही उम्दा बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बहुत दिलचस्प बात मैं तिवारी जी के बारे में कहना चाहूंगी कि यूं तो जब हम राजस्थान का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चित्र जो के बन के आता है कि वो ऊंटों का काफिला है या पानी की किल्लत या दाल बाटी चूरमे का स्वाद और घूमर, पर तिवारी जी ने अपने कलाकृतियों में ग्रामीण महिलाओं की जो मौलिक सौंदर्यता है वो बहुत अपने चित्रों में उकेरा है। तो क्या हम ये समझें कि आपकी जो प्रेरणा स्रोत है वो राजस्थान से ही आई है या कुछ आप इस पे दृष्टि डालना चाहेंगे? नहीं, आपको कहना सही है कि मैं एक छोटी सी चीज हमेशा सोचता था कि राजस्थान को दिखाने के लिए रेत का गर्म होना क्यों जरूरी है, या सूरज का उगता हुआ ही क्यों दिखाया जाए, या सूरज जहां उग रहा है सिर्फ उसी जगह पे ही ऊंट क्यों मुंह खोलेगा, या औरतें उस रेत में ही क्यों घड़े लेके जाएंगी पानी भरने के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों इनको उनकी कठिनाइयों को क्यों हम इस ढंग से हम आनंद नहीं ले सकते। वो बहुत खूबसूरत बनता था कि वो घड़ा लिए हुए हैं और पानी भरने जा रही हैं, रेत गर्म है, सूरज की तपिश है, सूरज की रोशनी दिख रही है, पानी पसीना टपक रहा है, ऊंट मुंह खोल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनमें रंग भरूंगा मैं इनके उस गर्मी को। हाउस तो मेरी ये पूरी सीरीज, मैंने अभी 4 काम ही इसमें किए हैं, 25 काम का मेरा टारगेट है और मेरे पास तो लगभग 50 काम मैं इसमें कर सकता हूँ, लेकिन 25 मेरे पास मेरी टारगेट है और इसमें मैं वही मैंने उस सारी चीजों को मैं रंग में दिखाऊंगा कि देखो राजस्थान है लेकिन उसमें रंग कितने हैं। जैसे आप महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र में ना पुरुषों में कहीं रंग नहीं है, ये औरतों में खूब रंग है। आप देख लीजिए पूरी भीड़ में कोई भी पुरुष रंगीन कपड़े नहीं पहनता है, सफेद पहनते हैं। तो ये मेरे लिए आश्चर्य है कि एक तरफ पूरा सफेद है, एक तरफ पूरा रंग है, महाराष्ट्र में ऐसा है, पुरुषों के लिए कोई रंग नहीं है। टोपी से के कुर्ता धोती सब व्हाइट पहनते हैं और औरतें उतनी कलरफुल पहनती हैं। हाँ, तो औरतें होती रंगीन मिजाज की है उस हिसाब से। जहाँ देखिए जिस क्षेत्र में जाएंगे आप देखेंगे महिलाएं जो हैं वो उनमें रंग ही रंग, खुशियों का रंग, त्योहार का रंग और प्रकृति के बहुत सुंदर रंग। आपने अपने चित्रों में उकेरा। आपकी कोई ऐसी प्रेरणा रही है, आपका मन नहीं किया कि आप जो आउटडोर्स को इंडोर्स में लेके आती हैं अपनी लैंडस्केपिंग आर्टिस्ट पेंटिंग्स में, आपका मन नहीं हुआ कि किसी एक सुंदर मूर्त को भी वहां सजाया जाए जो आपने अपनी लैंडस्केप? कहना सही है। अब हाँ, मैं छोटे से अपने टेक्निकल उसमें आऊंगा कि मेरा कहना यह है कि नेचर जिसको मैं कहता हूं कि ट्रैकलेस और स्टेयरिंग फ्री, ना इसमें स्टेयरिंग है ना इसमें रास्ता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। किसी भी ढंग से हाँ आप कैसे भी रास्ता बना सकते हैं और कैसे भी माने आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं होता है। जितनी खूबसूरती आप चाहते हैं उतना उसमें भर सकते हैं, वो पूरे हर खूबसूरती को हर रंग को अंगीकार करती है ये लैंडस्केप जो जिसको हम दृश्य चित्र कहते हैं। लेकिन आप बाकी चीजों को देखेंगे तो वो एक बॉन्ड होगा। जैसे मेरा हाथ है तो हाथ में भगवान ने दोनों तरफ लाइन नहीं खींचा है, लेकिन मैं लाइन खींचता हूँ, लाइन खींचने के बाद उसके अंदर रंग भरता हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लाइन की जरूरत मुझे क्यों पड़े। जो पाँव ऊपर तो मैं इसको बहुत आगे की बात कह रहा हूँ कि हम शुरुआत एक ही करते हैं, बच्चे को एक सर्कल देते हैं और कहते हैं कि बेटा सर्कल से बाहर रंग ना जाए। तो ये भी है उसमें कि बच्चे को बड़ा सर्कल नहीं देना है, बड़े में तो आसानी से भर लेगा वो, इतना छोटा देना है कि वो जोर जोर से मूव करे तो रंग बाहर चला जाए। तो कितने ढंग से हम बच्चे को बांधते हैं तब जाके वो सर्कल में कलर करता है। तो यही छोटा बच्चा मेरे अंदर भी है और मैं भी ऐसा वो नहीं चाहता हूँ कि कहीं पे मैं माने दो लाइनों के बीच में मैं बंद के रह जाऊं। इसलिए अब तक फ्रीडम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटी बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शिक्षा नीति में कला का क्या स्थान है और
विद्यालय अपनी जो शिक्षा नीति है कला को उसमें क्या स्थान दे सकते हैं, और बच्चों को खासकर, क्योंकि आजकल तकनीकी जमाना है और टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट किया है कि लोग बच्चे पेंट ब्रश हाथ में नहीं लेना चाहते, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, अब आज के समय की बात है ये, क्योंकि मैं उन किताबों में नहीं जाऊंगा जिसमें लोग क्या लिख रहे हैं। मैं सिर्फ उसमें ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी एक बच्चा ऐसा हो जो मम्मी के हाथ से आटा लेके सांप ना बनाया हो, या मम्मी के हाथ से आटा लेके कोई चिड़चिड़िया ना बनाया हो, तो आप इसको समझ जाइए कि बच्चे के अंदर कलाकार कितना भरा पड़ा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उसको कलर नहीं दिखता है, वो बच्चा क्या देखता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट एक फॉर्म को देखता है। जब भी वो फॉर्म उसके सामने आता है वो जान जाता है ये जो फॉर्म है, जिसको बाद में वो मम्मी कहेगा, ये जो फॉर्म जो मेरे पास आ रहा है ये मुझको प्यार करेगा, ये मुझे दूध पिलाएगा, ये मेरा केयर करेगा। तो बच्चे का पहला जो इंट्रोडक्शन किसी आकार से होता है, ना किसी रंग से। और फिर जब वो रंग देखता है तब तब जाके वो मम्मी को आंखें, उसके नाक, उसके हाथ, उसके पैर, उसके बाद ये सब बहुत बाद में जानता है। तो मैं कहता हूँ कि कितने शुरुआत से बच्चा एक कलाकार होता है, जरा सोचिए। ये तो दिक्कत यहाँ पर ये है कि पेरेंट्स इस चीज को समझे तब, यहाँ तो शिक्षा पेरेंट को चाहिए ना कि बच्चों को। एक दौर ऐसा आ जाए कि नहीं, पेरेंट को समझा दिया जाए कि ऐसा ऐसा है, और ताकि वो बच्चों के लिए अवेयर हो कि हर बच्चा एक कलाकार है, पैदाइशी कलाकार है। और मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि इस पूरे शरीर में, पूरे घर में, पूरे हमारे दिन भर के दिनचर्या में हमारा अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। हम जो कपड़े पहनते हैं, जो हम जो चीजें यूज करते हैं, जो खाना खाते हैं, सब कुछ किसी का दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ नहीं होता है। तो मैं सबसे मेरा यही कहना है, सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना किया हुआ कुछ कीजिए, अपना किया हुआ कुछ कीजिए, है ना। आप गाना गाइए तो किशोर कुमार की आवाज में नहीं, अपने आवाज में गा के देखिए। आप डांस किसी और का नहीं, हाँ अपना डांस करके देखिए, है ना। कविता दूसरों की नहीं, अपनी कविता पढ़ के देखिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। कहानी दूसरों की नहीं, अपनी कहानी लिख के देखिए। तो ये बहुत सारी चीजें, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, हाँ हाँ हाँ, अगर आप मुझसे पूछें प्रश्न में कि समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं, तो मैं समाज के लिए यही कहना चाहता हूँ कि सब वो अपने लिए कुछ करें और उसमें साइन करें। कहते हैं ना कि हर चीज हम वही साइन करेंगे जो हमारा प्रोडक्शन होगा। जैसे मेरा बच्चा है तो वो मेरा है, अदिति है दुनिया में, और कहीं नहीं है। बस वैसी पेंटिंग भी जो मेरी है, उसमें मैं साइन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो मेरा है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, और कि अपनी इंडिविजुअलिटी जरूर होनी चाहिए, और अपनी पसंद का दिन में एक भी काम कर लो तो एक आदमी अपने आप को परिपूर्ण महसूस करता है कि आज मैंने अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का, अपनी इच्छा अनुसार एक काम किया है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत उत्सुक हैं कि आपकी जो प्रदर्शनी लगी हुई है। मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि मैग्नेटो मॉल रायपुर में ध्रुव तिवारी जी की एग्जीबिशन ऑन गोइंग है, चल रही है, और हम उसी हॉल, तिवारी जी उसी हॉल में हैं, और वो हमें अपनी कुछ पेंटिंग्स, एक ग्लिम्स देंगे अपनी पेंटिंग्स की, और उनके बारे में भी हमें अवगत कराएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी, थोड़ा क्लोज करो आप। स्क्रीन, हाँ जी, इसको ये ले लूँ मैं, ये मेरी पेंटिंग दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल दिख रही है। हाँ हाँ, तो बस ये इसमें देखिए, कलर्स और इसका डिस्टेंस, पर्सपेक्टिव और कलर्स, और ये इसका कंपोजिशन कि मैंने डिस्टेंस को कैसे क्रिएट किया है, कलर्स उसमें कैसे यूज किए, मैंने रेड कलर को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज किया है, और कितने कलर को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कितने को डल कर रहा हूँ, और कैसे एक एटमोसफियर उसमें क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरी पेंटिंग लैंडस्केप है, ये 3x4 का है। और हाँ हाँ हाँ, बहुत ही ये वो है। ये चीज जो बता रहा था पिलर के बारे में, ये है। हाँ, हाँ, तो इस पे देखिए कि मैंने, ये वुड वर्क है, इनके अपने डेली यूजेस की चीजें हैं यहाँ पर, इनके पिलर्स हैं, और पिलर्स में जो कमर्शियल आर्टिस्ट होते हैं, ये जानवरों को और इंसानों को, और ये अलग अलग ढंग से इन सबको बनाने की कोशिश किया है। ये ईंट से बने हुए हैं और सीमेंट से, डांसिंग, ये डांस करते हुए आदिवासी हैं सारे ये,
और ये मंदिर नुमा भी ये लोग बना के रखे हैं सब चीजें। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने ये सारा मंजर एक ही फ्रेम में कैद किया है, जो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रंगों का एक जो आप लोग कह रहे हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल सजीव कर देता है इन तस्वीरों को। जी, ये मतलब ये बनाने की कोशिश की, ये नेशनल तक जाके आए ये, और ये राजस्थान की जो मैं पेंटिंग बता रहा था, तो इसमें ये देखिए कलर्स, अगर ये कैमरा अगर सही है, बिल्कुल हाँ, हमें दिख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर रंगों का एक बिल्कुल भरपूर है रंगों के चित्र में। हाँ हाँ हाँ, मैंने रेत को अलग नहीं किया, रेत को मैंने बनाया ही है, लेकिन पूरे एटमॉस्फेयर को मैंने ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की कि मैंने उस गर्मी से इनको बाहर निजात, और इनके अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, बैठने के तरीके हैं, जिस लापरवाही से लोग बैठते हैं वो भी मैंने इसमें बनाने की कोशिश करी है, और इनके हाँ ड्रेसिंग और ये बस ये, और ये वही जो मृतक स्तंभ है उसी का डिटेलिंग है ये, और इसमें ये एम्बॉस स्टाइल में इसमें मैंने ये काम किया है। थोड़ा सा और नजदीक अगर ले जाएं आप अपना कैमरा तो हम और थोड़ा क्लियर देख पाएंगे। बहुत सुंदर रंग आपने मतलब दे रहे हैं, बहुत स्टाइल में है ये सारे ट्राइबल। हाँ जी, बिल्कुल मंत्र मुक्त कर देने वाली तस्वीरें हैं, बिल्कुल जानवर और ये और कीड़े मकोड़े ये सब जी। हाँ, ध्रुव तिवारी जी का शायद कुछ कैमरे में इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है। बहुत सुंदर कलाकृतियां और रंगों का तो ऐसा सुंदर तालमेल बिठाया है उन्होंने कि बहुत ही सुंदर जी। हाँ, ये और ये इनका डिटेल है, ये कलरिंग थोड़ा मूड बनाया है, हिरण बनाई है, तो फॉर्म और उनके लाइंस, उनके रिदम है ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक बिल्कुल कहानी, बिल्कुल कहानी से उकेर दी है आपने इन तस्वीरों में। गोपी कुमार पांडे जैसे 24 ये फिर क्लाइंट्स के हैं। हाँ जी, हाँ जी, और ये भी ऐसा लग रहा है जैसे कविता लिखी गई हो रंगों से, और बहुत ही सुंदर। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ बैठे हैं दिल्ली नोएडा पर, पता नहीं कहाँ कहाँ के सब व्यूअर्स हैं, और सब आपके छत्तीसगढ़ में प्रदर्शनी चल रही है और हम यहाँ बैठकर उसका आनंद ले रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। शायद उनके यहाँ तकनीकी खराबी के कारण आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है, पहुंच रही है हम तक, आ रही ना। जी जी, अब आ रही है। हाँ, ये बर्ड आई व्यू से है, मतलब जैसे हम ऊपर से किसी चीज को देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसका डिटेलिंग यही कि पत्थर के टुकड़े और ये वो सब चीजें, ये सब इधर धुंध और ये नीचे की तरफ ये जैसे काई जम जाती है, और वो सूख जाने के बाद जो काला रंग दिखता है वो इसमें। हाँ जी, डॉक्टर तिवारी, एक सवाल और है आपसे, सवालों की झड़ी खत्म ही नहीं हो रही है, एक सवाल और है कि जब आप ये चित्र बनाते हैं तो आप फिजिकली किसी जगह जाकर उसको देखकर उससे प्रेरित होते हैं, या ये आपके मन से ही आप मतलब आपने चीज को इमेजिन कर लिया, एक जगह को इमेजिन कर लिया और उसको पेंट करते हैं? नहीं, एक्चुअल क्या हो रहा है कि मैंने आउटडोर पे बहुत सारा काम किया है, आउटडोर पे बहुत काम किया है, अब इतना काम आउटडोर पे कर लिया है कि मुझे इनडोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डिस्टेंस और हिली और वाटर और ट्रीज ये सब बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अब मैं आराम से बैठ के घर में क्रिएट कर लेता हूँ, इनडोर में सारी चीजें हो जाती है, तो मुझे बहुत ज्यादा आउटडोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर मुझे अब क्या करना है, थोड़ा सा क्रिएटिव करना है, इसलिए मैं बाहर नहीं बैठ रहा हूँ, इनडोर ही कर लेता हूँ सारी।
ओके ओके, तो ये मतलब लेकिन आपने पर्यटन भी खूब किया है, इसका मतलब आपने जगहें देखी है इतनी सारी और अब एक नई दुनिया क्रिएट कर रहे हैं अपने आप में, बहुत बड़ी बात है। ये है रेंट के टीवी और डिस्टेंस में क्रिएट होता वर्क कर रहे हैं, ये राजस्थान से भी जो पेंटिंग नेटवर्क इशू हो रहे हैं, आपकी पिक्चर भी नहीं चल रही है, मेरी भी नहीं चल रही है और नहीं तो दिखा रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, ये दिख रहा है? नहीं अभी भी नहीं दिख रहा सर। हाँ अच्छा, क्या है चल रहा क्या? अब आया? नहीं अभी भी नहीं दिख रहा है, और कुछ मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि हमें पेंटिंग्स और देखने को मिले आपकी, बट कहीं कुछ खराबी की वजह से शायद नहीं हो पा रहा है। चलिए लेकिन हम बातचीत, क्योंकि आवाज सुन पा रहे हैं एक दूसरे की और शायद हमारे भी सुन पा रहे हैं, तो हम बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। एक बात और मैं पूछना चाहूंगी कि आज क्योंकि तकनीक जो टेक्नोलॉजी हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो आज से 5 साल बाद हम कला और टेक्नोलॉजी में कहाँ समानता देखते हैं और कला का क्या रहेगा कि मतलब किस तरह से आगे बढ़ पाएगी वो? नहीं, कला अपनी जगह पे रहेगी, कला कोई रोक नहीं पाएगा और टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, कला वही रहेगी, जो जो होते आ रही है वो होता ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीजें टेक्नोलॉजी में नहीं है। टेक्नोलॉजी जादू कर सकती है, जादू जरूर कर सकती है, हम कहते हैं ना कि ये चीजें मैजिक होती है, जो ग्राफिक वर्क होता है जिसमें हम जिसको विस्कोसिटी कहते हैं, उसमें सारे रंग जादू ही होते हैं, है ना, कि सारे रंग मिल गए और हमने उसको प्रिंट ले लिया, तो वो जादू तो हो सकता है टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये जो स्ट्रोक्स और सब चीजें हैं ये तो हम ही देंगे तभी हो पाएगा। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक ह्यूमन टच तो हमेशा टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारे जो नई जनरेशन है उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या आपका संदेश है कि उन्हें कला को अपने जीवन में ढालना चाहिए? नहीं, मेरा तो कहना यही है कि जो नया जनरेशन है बिल्कुल जमीनी बारीकी को समझें, सच्चाइयों को समझें, ज्यादा मैंने टेक्नोलॉजी पे जाएंगे ये ज्यादा हम सब चीजों में उलझेंगे। हाँ जी, तो मेरा यही कहना है कि जो सच है उन्हीं को क्रिएट करें, जो ऐसी चीजें नहीं है उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो क्वालिटी है तो हम उनकी स्टडी कर सकते हैं जरूर, लेकिन चीजें है वो सच्ची है, उसमें हम काम करते ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज थोड़ी सी मतलब क्रैक हो रही है बीच में, बट ध्रुव तिवारी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी प्रदर्शनी के लिए भी, और आपसे इतनी उम्दा जानकारी मिली, बहुत ऐसी जानकारी जो हमने अभी तक हमें नहीं पता था, और मेरे ख्याल से दर्शकों को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला है और नया जानने को मिला है, और आपको ढेरों ढेरों बधाई अनुरागम टीम की तरफ से कि आप हमारे साथ जुड़े, आपसे बातचीत हुई और इतनी सुंदर इतनी उम्दा पेंटिंग्स बिल्कुल जो सजीव कर देती है आपके विचारों को, आपके काल्पनिक उनको मतलब बहुत ही सजीव कर दिया आपने, बहुत ही सुंदर तस्वीर देखने को मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारे मैंने पूरी टीम को, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।